बस अब ठीक है, अब मसला नहीं होगा सिकंदर, ठीक है। इब्तिसाम तुम्हें भी बोला था मैंने याद कराने के लिए, चलो ये तो ओके हो गया। इसलिए कि आज की जो रिकॉर्डिंग है ना बेटा, वो दोनों सेक्शंस को भी मुझे देनी है। उस जिन लोगों ने क्लास ली थी ना, क्लास तो हमारी ओके कंडक्ट हो गई थी, अब वो लोग तो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, मगर बेटा जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी वो उससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। उनको प्रॉब्लम होगी कि मैं बोल क्या रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स की तो आवाज़ आ रही थी, मगर ये रिकॉर्डिंग की वजह से नहीं, ये प्रॉब्लम हो गई। तो इसलिए मैंने सोचा था कि ये MSTM पे जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है उस सॉफ्टवेयर पे कर लेते हैं, उसमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। बट खैर, बहुत सारे बच्चों के पास जो है इंटरनेट इशू है, तो उस पर MSTM पे जो है वो हमें चाहिए होती है इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो आने दे बच्चों को यार, आप लोग फोन करें यार, उन्हें कॉल करें, बाकी हो गए जल्दी से आओ यार, आज तो आ जाओ, लास्ट क्लास है। हाफिज बोलो, हाफिज हुसैन। सर अस्सलाम वालेकुम सर, वाले साहब बोलो बेटा। सर मैंने पूछना था ये जो फाइल्स हैं CP की, ये zip फॉर्मेट में भेजनी है या किस जी तरह बेटा, भेजनी है? आपने जो असाइनमेंट जितने भी जमा कराने हैं ना, वो zip फॉर्मेट में जमा कराने हैं, वरना DWG फाइल अपलोड नहीं होती। मैंने DWG फाइल बहुत पहले बोल दिया था कि सबने जमा करानी है, मिट के बाद जितनी भी है, मिट की भी फाइल और सब। अब खैर, आज आखिरी आखिरी दिन है, इसलिए आप लोग जो भी हो बेटा जमा कराएं। ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी जमा नहीं कराया तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप लोग जमा करा देंगे तो फिर मैं कुछ ना कुछ ख्याल कर लूँगा। एक चीज़ होगी तो उस पर मैं मार्किंग तो कर सकता हूँ ना बेटा। अब एक चीज़ आप जी सबमिट ही नहीं सर। करोगे तो उसमें कहाँ से मार्क्स दूंगा मैं। सर असल में मुझे तो सर बाकी को नहीं पता, मुझे तो आज पता लगा है कि सर ने बोला हुआ है कि जिप जो है बेटा ना। अभी अब जो भी है ना, आप लोग जमा करवाएं, सबमिट करें, जो भी है आपके पास सबमिट ज़रूर जी करना है। सर मैंने ठीक आपको पहले भी कहा था, है सर। ठीक है, सबको बोल रहा हूँ कि आप सबमिट ज़रूर करें असाइनमेंट। ऐसा ना हो कि आप फाइल ही अपलोड ना कर सकें। वैसे मैं कोशिश करूँगा एक दिन और दे दूँ आपको, यानी कल तक का। बस कल के बाद ना मैं बेटा मैं डाउनलोड करके उसको मार्किंग करना शुरू कर दूँगा। इब्तिसाम क्या करें, 11 स्टूडेंट्स सर मैंने 3-4 को कॉल तो की है, वो कह रहे हैं कि आ रहे हैं। चलो आ तो गए हैं। अभी, बढ़ आ रहे हैं स्टूडेंट। मैं स्टार्ट कर दूं क्या? जी सर। सर कर दें फिर। हाँ बेटा, ये टाइम फिर हमारा ज़ाया हो रहा है ना। उनको जब 5 बजे कल से बोला हुआ तो आ क्यों नहीं रहे? जी सर। सर फिर कर दें स्टार्ट। ठीक है, बोल तो दिया है ना स्टूडेंट्स को आपने। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। सबसे पहले मैं लेक्चर 15 का आपको बताऊंगा। उसके अंदर बेटा क्या कहते हैं, ये जो मटेरियल्स हैं, टेक्सचर्स हैं, ये ऐड कैसे करने हैं, ये LMS पर मैंने अपलोड कर दिया है। वीक नंबर 16 का जो एक लेक्चर है इलेक्ट्रिकल वायरिंग पैनल का बेटा, वो मैंने एक सेल्फ रिकॉर्डिंग करके ना आपको दिखाना है। ये देखें, ऑटोकैड के अंदर ना हम ये इलेक्ट्रिकल ये पैनल्स ये डिज़ाइन कर सकते हैं, ये वायरिंग लेआउट, स्कीमेटिक लेआउट, तो ये सारी चीज़ें मैं जो है आपको बता दूंगा, ठीक है बेटा। ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से हम स्कीमेटिक लेआउट है किस तरह से। तो ये सेल्फ रिकॉर्डिंग लेक्चर होगा, वो मैं अपलोड कर दूंगा, इसकी स्लाइड्स भी अपलोड कर दूंगा स्टेप्स के साथ। इसलिए कि इसमें बेटा इलेक्ट्रॉनिक जो सिंबल्स हैं या इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं, उनकी थ्योरी होगी, वो आप सबने पढ़नी है, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है वो। लेक्चर 15 के साथ बेटा मैंने बताना है CEP। बहुत से स्टूडेंट्स उसमें प्रॉब्लम हो रही है कि हम करें कैसे। जैसे सिकंदर मुझसे बार बार ये पूछ रहा था फोन करके कि सर मैं एक ही जगह पे सारी ड्राइंग बननी है, मैं उसको कैसे एक्सट्रूड करूं दूसरी जगह पे। तो ये सवाल ही नहीं करना चाहिए था उसे, अगर वो सारी वीडियोस मेरी देख रहा था। तो इसी तरह आप लोग भी अगर सारी वीडियोस मेरी देख रहे हैं, एक एक चीज़ आप उसमें स्किप करके नहीं देख रहे, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बेटा आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। ये तो मैंने स्टार्ट में बता दिया था, 3D के लिए होता क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, UCS क्या है, व्यू क्या है। तो मैं उस बात को दोबारा रिपीट करूंगा जो मैंने बताई है। जैसे सिकंदर को और भी स्टूडेंट्स, उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको बताया कि ये UCS कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो कौन सी साइट से आपने बनाना है, ठीक है। मैं रफ स्केच करके दिखाऊंगा, डायमेंशन तो मैंने आपको बोली नहीं थी, तो डायमेंशन आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख लें,
जो भी उसका रेशियो है वो आप अपनी मर्जी से रखें, मैं यहाँ पे रफ स्केच करके आपको दिखाऊंगा। ये वीक नंबर 15 में बेटा मैंने रेंडरिंग के लिए ना, यानी आपने रियलिस्टिक मटेरियल कैसे अप्लाई करने हैं उसकी ये स्लाइड्स मैंने यहाँ पे पेस्ट करके आपको बताया है, ठीक है। मटेरियल टेक्सचर कैसे ऑन ऑफ करना है और किस तरह से आप यहाँ से ये अप्लाई कर सकते हैं, मगर इसका एक ऑल्टरनेट मेथड है वो बहुत आसान है, वो मैं आपको इस स्लाइड में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बेटा एज ही आइसोमेट्रिक में जाऊँगा और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो मैं बना रहा हूँ, ये मैंने बना लिया, अंदाजे से स्क्वायर लग रहा है, इसको एक्सट्रूड करूंगा मैं, हाइट में रफ अप्लाई करूंगा यहाँ तक, ठीक है। अब मैं इस पे कॉन्सेप्चुअल पे करूंगा, तो आप सबको पता है कॉन्सेप्चुअल पे ये ग्रे लाइट कलर में ये इसको एक्सट्रूड करके शेडिंग कर देता है, रियलिस्टिक पे ये ब्लैक कलर आ रहा है। अब इस पे आपने टेक्सचर मटेरियल अप्लाई करने हैं, तो इसका बहुत आसान तरीका है, वो आप टूल्स में जाके पैलेट्स में जाएंगे, नहीं बेटा सिकंदर जूम पर प्रॉब्लम पता है क्या है, जूम ना बहुत ज़्यादा हैवी हैवी फाइल बना लेता है, उसको अपलोड भी नहीं कर सकते यूट्यूब पर, और मैं आपको सेंड कैसे करूँगा, वो 300 400 MB की फाइल बनाता है, और ये जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड पे मैंने रन किया है ये अगर 1 आवर की क्लास है तो उसको आराम से ये 50 60 MB के अंदर उसको बना लेता है, तो उसमें मुझे ये आसानी है। MS टीम जो है, MS टीम, वो भी बिल्कुल 1 आवर की क्लास को 100 MB के अंदर अंदर फाइल बनाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी आती है, तो दो दो सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना नहीं पड़ेंगे मुझे अगर मैं MS टीम यूज़ करूँ। अब यहाँ पे जूम के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो इतनी हैवी फाइल बन जाएगी मैं आपको भेज ही नहीं सकूँगा, तो रिकॉर्डिंग का भी कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे पास खुद क्लाउड पर जगह ही नहीं अब, क्योंकि स्टूडेंट अभी कल तक भी मुझसे सॉफ्टवेयर मांग रहे थे, तो मैंने 64 बिट 32 बिट, तो 4 GB तो यही साइज़ हो गया फाइल का, तो ये मैंने अपलोड करके रखा हुआ अभी, वो स्टूडेंट्स जो है अभी तक उनको प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्यों। मैंने बोल दिया आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें, वर्जन यूज़ कर लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बेटा मैं कह रहा हूँ कि आपने जो पैलेट्स है, पैलेट्स में टूल पैलेट्स पे क्लिक करना है, ये वही टूल बार है जो आप लोग जब 2D क्लासिक पे क्लिक करते हो तो ये टूल बार खुल जाता है, इसके अंदर नीचे टैब्स नज़र आ रहे हैं आपको बहुत सारे यहाँ पे, तो काफ़ी सारे जो टैब्स नीचे नज़र आ रहे हैं इस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ये टैब्स आ जाएंगे। इसमें हमने फ्लोर मटेरियल्स के डिफरेंट, जैसे कंक्रीट मटेरियल है इस पर मैंने क्लिक किया, अब रैंडम सा मैं इसमें कोई सा भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये मैंने एक दफ़ा क्लिक किया तो ये कहेगा कि आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, वरना ये एक मैसेज देता है कि ओवरराइड दी मटेरियल, मैं ओवरराइड दी मटेरियल पे क्लिक करके फिर इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा हैंग हो गया है, 1 मिनट थोड़ा सा रुकें, अभी पूछ रहा मटेरियल को सेलेक्ट करें, मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप देखें इसने ये जो कॉन्क्रीट मटेरियल है वो इस पर अप्लाई कर दिया है, इसी तरह से मैं डिफरेंट जो भी मटेरियल है, जैसे मैं यहाँ जाता हूँ फैब्रिक का ऑप्शन है, मेसनरी, मेसनरी पे ये स्टेप ब्रिक्स का ना मुझे बहुत पसंद है ये, तो मैं इस पर एक और दफ़ा क्लिक करूंगा, अब ये मैसेज देगा, देखें ओवरराइड मटेरियल करना है आपने, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो देखें ये आपको बिल्कुल जो हाउस बनाने के लिए दिया मैंने लेक्चर 15 के अंदर, उसकी वॉल्स या उसकी जो टॉप रूफ है उस पर आप ये मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं, देखें ये कितना अच्छा मटेरियल लग रहा है, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि सर हम इसमें शाइन या इसमें लाइटनिंग इफेक्ट जो है वो अप्लाई करें, तो बेटा उसका भी यहाँ पे मौजूद है, मैं सिर्फ आपको टच दे रहा हूँ कि किस तरह से करना है, इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है, तो ये आउट ऑफ द कोर्स है, कोर्स का ये पार्ट नहीं है, मगर मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर ऑप्शन बहुत हैं। तो ये जैसे मैंने ये हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लाइट्स पे किया, देखें हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लाइट्स, इसमें डिफरेंट वोल्टेज की है, मैं सबसे ज़्यादा जो अप्लाई करता हूँ ये 1000 वॉट स्टेडियम लाइट जो है, इसको मैं टर्न ऑफ करूँगा डिफॉल्ट लाइटनिंग, इसको आपने सिर्फ लोकेशन बतानी होगी कहाँ से कहाँ अप्लाई करना है, तो वो पॉइंट्स डिफरेंट आप सेलेक्ट करें, देखें इस पर लाइटनिंग इफेक्ट आ गया है, ये इसने बिल्कुल जो डल सा मटेरियल था उसको बिल्कुल रोशन कर दिया है, ठीक है। अब आप इसको जरा कंटिन्यूस पे चला के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, देखें बाकी सब जो है वो आपके सामने डल है, ये बिल्कुल वाइट है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट जगहों पे ये बल्ब, ठीक है, लाइटनिंग इफेक्ट। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये अभी मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम सॉलिड एडिटिंग कमांड्स पे काम करेंगे, ठीक है। 3D के अंदर और भी सॉलिड एडिटिंग कमांड्स है, तो मैं अभी यहाँ पे कुछ और अप्लाई करूँगा, जैसे डिफरेंट इसमें कैविटीज बनाऊँगा, और वो आपने नहीं बनानी है, सिर्फ देख लें,
अब मैं सर्किल बनाऊंगा एक और उसको भी स्वीप कर दूंगा। अब रियलिस्टिक पे हम आएंगे, देखें ये जो ऑब्जेक्ट बनाया मैंने इसके अंदर कॉम्प्लेक्स से जो पाइप्स है ना वो मैंने इंसर्ट कर दिए। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा SU की कमांड से। अच्छा चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना, कभी प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है यहाँ रिकॉर्डिंग चलिए, गुड। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा SU इंटर, और अब मैंने वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने जो मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है पहले मैं इसको कर लेता हूँ, एक साथ नहीं कर रहा मैं, एक साथ में प्रॉब्लम कर देता है कभी कभी ये वर्जन। ठीक है अब देखें यहाँ पे मैंने स्लॉट बना लिए इसके थ्रू आउट, देखें यहाँ पे होल नज़र आ रहा है आपको। अभी ऑब्जेक्ट आपको अंदर से कैसा नज़र आ रहा है हमें पता ही नहीं है, तो समटाइम आप शो करना चाहते हैं इसको तो आप स्लाइस की कमांड यूज़ करेंगे, और उसका टेक्निक मैं बता दूँ कैसे करेंगे। ये लाइन भी मैं इरेज कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। स्लाइस SLIC, और मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अब वो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जहाँ से मैं चाहता हूँ, ये एक तो ये पॉइंट है इसका सेंटर पॉइंट, और ये सेंटर पॉइंट। मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास अगर नाइफ है तो आप इसको स्ट्रेटली यहाँ से कट कर दें, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको नज़र आ जाएगा। अब ये ऑटोकैड इज आस्किंग के कौन सी साइड आप रखना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ ये वाली साइड, तो वो वाली साइड उसने अपोजिट साइड को कट कर दिया, और अंदर से ये पीस कैसा नज़र आ रहा है आपको देखें। एक तो ये स्लॉट नज़र आ रही है और दूसरा ये वाली स्लॉट भी नज़र आ रही है यहाँ पे। तो ये टिपिकल किस्म के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर से सरफेस शो करना होता है वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए। तो आप इस तरह से स्लाइस की कमांड यूज़ करते हैं। तो स्लाइस की कमांड यूज़ करने का तरीका है, आपने दो पॉइंट बताने और तीसरा वो, तो ये आपको मिल जाएगी 14 और 15 स्लाइड में। अब मैं अंडू कर रहा हूँ सारा जो भी मैंने किया है। अब इसके बाद मैं दूसरी सॉलिड एडिटिंग कमांड आपको बताऊंगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपने ये एक्सट्रूड कर लिया, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इस साइड पर इसकी एक्सट्रूजन थिकनेस हम बढ़ा दें तो वो भी हम बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं इसकी डायमेंशन नोट करना चाह रहा हूँ वाई में क्या है, तो ये 4.2 मिलीमीटर है। तो मॉडिफाई सॉलिड एडिटिंग कमांड के अंदर सॉलिड ये एक्सट्रूड सरफेसेस, एक्सट्रूड फेस का एक ऑप्शन है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे वो आपसे ऑटोकैड पूछेगा कि सिलेक्ट दी फेसेस, तो मैं ये वाला फेस सिलेक्ट करूंगा। और देखें सिर्फ यही फेस सिलेक्ट हुआ, नीचे आया वन फाउंड। अगर आप इसमें और ऐड करना चाहते हैं तो आप और सिलेक्ट कर लें, मैं सिर्फ इसमें यही रखूंगा। और रिमूव करना चाहते हैं तो आप आर लिख इंटर करें, उसको सिलेक्ट कर लें तो वो रिमूव हो जाएगा। मैं इंटर करूंगा और ऑटोकैड मुझसे पूछेगा कि आप इसकी भाई हाइट बता दें, मैं बोलूंगा 4 और बढ़ जाए 4 मिलीमीटर, और डिग्री आपने 0 रखना है वरना वो टेपर बना देगा। ठीक है अगर आप एंगल बता देंगे तो यही हाइट जो अभी बढ़ाई है मैंने ये टेपर में बढ़ जाएगी, तो आपको नज़र आ गया ये टोटल 4 मिलीमीटर इसमें और इजाफा हो गया है। अब मैं इसमें टेपर करके दिखा देता हूँ आपको। सॉलिड एडिटिंग एक्सट्रूड फेसेस, अगेन मैंने ये सिलेक्ट किया इंटर, 4 हाइट है और टेपर में बोलता हूँ भाई 0.5 हो जाए। ठीक है तो अब हम ये देखते हैं, अल्लाह भला करें आपका इसने किया भी या नहीं। मैं इसकी डायमेंशन नोट करूँगा। अच्छा पूरे ऑब्जेक्ट पे इसने अप्लाई किया है या नहीं अभी बदल जाएगा। 4.6 है ये, मैं मेजरमेंट कर लूँ यहाँ से, 4.6 है, 4.67, 4.67 फोर, और ये 4.67। देखिए इसने स्लाइटली जो एक्चुअल साइज था 4.67 यहाँ था, और यहाँ पे 0.5 की टेपर अप्लाई कर दी है। अगर मैं टेपर का साइज बढ़ाऊंगा तो ये ज़्यादा टेपर करेगा। देखिए मैं अभी इसको अंडू कर देता हूँ, दोबारा से मैं मॉडिफाई में जाता हूँ सॉलिड एडिटिंग, और जो एक्सट्रूड फेस है मैं ज़रा वैल्यू ज़्यादा बताऊंगा। ठीक है देखते क्या होता है। तो मैंने हाइट रख दी 4 और मैं बताऊंगा 2 इसकी एक्सट्रूजन टेपर एंगल। तो देखें अब आपको ये टेपर होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक नज़र आ रहा है आपको। तो ये इसने पूरा टेपर कर दिया, अगर मैं आपको टॉप से दिखाऊंगा तो आपको साफ नज़र आएगा कि ये टेपर हो गया। देखें यहाँ से यहाँ तक ना इसने टेपर कर दिया। एडिटिंग तो करिए मगर टेपर के साथ करिए। ठीक है थीके? तो ये दूसरी सॉलिड एडिटिंग मॉडिफाइंग कमांड्स थी। अब एक कमांड रह गई है शेल की, जो बहुत अच्छी कमांड है अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर होलो सरफेस बन जाए। अब देखें हम ये चाहते हैं कि पूरा ऑब्जेक्ट सिर्फ टॉप से छोड़कर अंदर इसकी वॉल्स ना सम डिस्टेंस पर ऑफसेट हो जाएं और अंदर एक स्लॉट बन जाए, हमें सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत ना हो। तो मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और ये पूछेगा कौन सा सरफेस आपने रिमूव करना है, मैं बोलूंगा ये टॉप वाला रिमूव कर दो। ठीक है अब मैं एंटर कर दूंगा। अब ये डिस्टेंस पूछ रहा है कितने ऑफसेट डिस्टेंस पे आपने इसकी वॉल बनानी है और अंदर कैविटी बनानी है। ये देखें
मैंने 0.5 इसको ऑफसेट डिस्टेंस बता के इंटर किया, तो अंदर देखें इसने पूरा बाकी जितनी साइड्स थी, फाइव साइड्स, सब जगह से 0.5 ऑफसेट कर दिया बॉल को और अंदर एक कैविटी जनरेट कर दी। हाँ सिकंदर, अच्छा है ये। अभी आप देखें, मैं आपको सिलेंडर भी दिखाता हूँ, कितना आपको अच्छा लगेगा वो देखकर। अगर आप, अब मैं अगला ऑब्जेक्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ बेटा, कि अगर आप ये चाहते हैं थ्रू इस ऑब्जेक्ट थ्रू एक कैविटी बन जाए, तो उसका भी तरीका है। यहाँ पे पैटर्न है, देखिए मैं अंडू करूँगा और मॉडिफाई सॉलिड एडिटिंग और शेल में आ जाए। आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मुझे रिमूव ना यहाँ पे दो सरफेस करना पड़ेंगे, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला। नीचे वाले के लिए मुझे ऑर्बिट की कमांड यूज करके इसको घुमाना होगा। ये मैंने क्लिक किया इंटर, और अब मैं 0.5 शेल डिस्टेंस बताऊंगा। देखें ये थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट एक कैविटी जनरेट हो गई है, मगर इसके लिए आपको डबल साइड पे इसके फेसेस सेलेक्ट करना पड़े। ठीक है, सिकंदर हाथ ऊपर हो गया तुम्हारा, खैरियत? यस सर, सर मैंने ये पूछना था कि मतलब जो डिस्टेंस हम देंगे 0.5 का जो आपने डिस्टेंस दिया, ये साइड से तो वो कटिंग हो गई, ठीक है, इतना इतना डिस्टेंस हो गया, और नीचे से जो मतलब जो नीचे बचेगा ऑब्जेक्ट मतलब लेयर नीचे होगी ना, उसका भी 0.5 डिस्टेंस हाँ, होगा। सही उसका भी 0.5 होगा, उसका भी 0.5। है, सेम डिस्टेंस, जब भी सही है सर। मैंने मैंने नीचे वाला जब सरफेस ऐड करके मतलब उसको सेलेक्ट किया ना, तो वो रिमूव हो गया, तो वहां उसने ऑफसेट डिस्टेंस लगाया नहीं, उसको पूरे को सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं यही सर्कुलर ऑब्जेक्ट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक सर्किल बनाता हूँ और आप देखिएगा आपने इससे पहले एक कप बनाया था, तो इससे कितने जल्दी कप बन जाएगा, यानी एक ऑप्शन ये भी हमारे पास कप बनाने का। ठीक है, और यहाँ पे मैं बेटा चाहूँगा कि एक अलग टेक्सचर अप्लाई करूँ, बल्कि टूल तो मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा ओपन हो जाएगा। और फिनिश मटेरियल पे देख लेते हैं, कोई अच्छा मटेरियल मिल जाए यार मुझे। जेनरिक पे जाता हूँ, नहीं ये तो कुछ और है, वुड मटेरियल, वुडन मटेरियल। बेटा ये ओप्पो A5 कौन है? ये A5S, इब्तिसाम ये कौन है? सर ये पता नहीं, पहली दफा आया। ये ओप्पो भाई, ये नाम क्या है तुम्हारा, ये कौन हो? मैं इसको वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ, ये तुमसे रابطہ करेगा फिर मुझे बताना, मैं इसको अलाउ नहीं कर रहा। ये क्या आज है तफरी सर, का अगर मूड मुझे मैसेज, है? क्या कह रहे हो इब्तिसाम? सर अगर मुझे किसी ने मैसेज किया तो मैं आपको बता दूंगा आप मुझे आंसर। बता दीजिएगा कि ये तफरी के मूड में तो नहीं आया हुआ। मैं एनेबल कर रहा हूँ वेटिंग रूम। अच्छा, मैं एक दफ़ा नेम कॉल कर रहा हूँ, आप लोग देख के बता दें कोई इसमें तफरी वाला स्टूडेंट तो नहीं है। अहमद शोब, शुएब है, पत्नी शोब है, हादिया फरहान है, हाफिज हुसैन है, इब्तिसाम है, जुनेद है, मिर्ज़ा एहतशाम है, सादिया है, शाहजेब है, सिकंदर है, सैयद शायान अहमद है, सैयदा जैनब, उमर मुबारक, मुबशर हफीज़ और उमर शहजाद। जैनब जो है वो मेरा हाल है दूसरे सेक्शन में भी हैं, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, कहीं सेम तो नहीं है ये? सेम नाम हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट। ठीक है, अब हम बेटा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जो कप है उसका डिफरेंट मैं देख रहा था कि ये प्लास्टिक, ये वाला कलर सही रहेगा, मैं ट्राई करता हूँ, देख लेते हैं यार। हाँ ये कलर भी अच्छा लग रहा है, गुड। तो अब बेटा मैं इसमें शेल की कमांड अप्लाई करूँगा, देखें इसको मैं बंद कर रहा हूँ, मॉडिफाई शेल, और अंदाजे से करूंगा, मेरे पास कोई डायमेंशन नहीं है। अब रिमूव सरफेस जो है ना, मैंने सिर्फ टॉप वाला करना है, बाकी नहीं करना है। इंटर, और शेल डिस्टेंस में अगेन यहाँ पे 0.5 बता रहा हूँ। तो अब आप देखें ये कब बन गया है, जो आपने इससे पहले टास्क किया था जो स्वीप और सबट्रैक के थ्रू। तो आप देख रहे हैं इस तरह से आप ये कप भी बना सकते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी आप बना सकते हैं। ठीक है बेटा, अजान हो रही है, सिर्फ 2 मिनट के लिए रुक जाए, ठीक है? मैं अजान के लिए थोड़ा, अजान के एहतराम में खामोश हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा, अजान हो गई है, तो
तो मैं आपको ये बता रहा था बेटा कि आप लोग डिफरेंट बहुत सारी इसमें कमांड्स हैं जिससे आप काम कर सकते हैं डिफरेंट एक्सिस पे डिफरेंट एंगल में। तो आपने जो कप बनाया था इससे पहले वो आप शेल की कमांड से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब मेरे जहन में ना एक आइडिया आ रहा है जो मैंने इससे पहले कभी अप्लाई नहीं किया, तो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। एक रेक्टेंगल बनाता हूँ मैं, ठीक है, एक रेक्टेंगल और बनाना चाह रहा हूँ मैं, और एक सर्किल बनाते हैं। और सर्किल के लिए हम रखते हैं ये वाला सर्किल, ठीक है। और अब मैं इसको मूव करके बिठाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। और अब हमने जेड डायरेक्शन में इसको मूव करना है बेटा, और इसको मैं मूव करता हूँ और 5 डिस्टेंस पर, और इसको मूव करता हूँ 10, ठीक है। जूम एक्सटेंड और लॉफ्टिंग अप्लाई करके देखते हैं कि लॉफ्टिंग हो जाएगी या नहीं। मुझे सिर्फ ये देखना है कि लॉफ्टिंग हो गई है, ठीक है, स्मूथ, ओके। अब मैं एक काम ये करता हूँ, इसमें शेल की कमांड अप्लाई करता हूँ और दोनों सरफेस सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं कॉन्सेप्चुअल पे कर रहा हूँ ताकि मुझे सरफेस नज़र आए। मुनीब हुसैन तो हमारी क्लास के ही है, मैं इनको एडमिट कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बेटा मॉडिफाई सॉलिड एडिटिंग और शेल पे जाते हैं, सेलेक्ट कर लिया हमने। अब सरफेस हमने सेलेक्ट करना है जो रिमूव, एक तो ये सरफेस सेलेक्ट कर दिया मैंने रिमूव, और एक मैं चाहता हूँ कि ये वाला सरफेस जो है वो रिमूव हो जाए बेटा, ठीक है। ठीक है, एक और सरफेस रिमूव हो गया। अब मैं जो है देखता हूँ, पता नहीं सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ। अच्छा, ऑफसेट डिस्टेंस मैं बताता हूँ, वही 0.5। और ये देखें, ये सरफेस आपने किस तरह का जनरेट किया है, एक बहुत अमेजिंग सी जो है वो ज्योमेट्री बन गई है। अब आप देखें इससे काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। जूम एक्सटेंड, ठीक है, मैं इसको कंटिन्यूस में मूव करके देखता हूँ। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा ज्योमेट्री आपने बनाई है, और इससे बन सकती है शेल की कमांड से। तो इक्वली अंदर इसने वॉल्स क्रिएट कर दी हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा मैं सॉलिड एडिटिंग कमांड कितनी हेल्पफुल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से जल्दी से ना मैं इन दोनों को ऑब्जेक्ट को इरेज करके एक 3D एरे आपको बता रहा हूँ। 3D एरे वो कुछ भी नहीं है यार, वो इस तरह का है कि 3 लेयर्स जनरेट कर देगा। नंबर ऑफ रोज रेक्टेंगुलर टाइप बनाना चाह रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ रोज रख देता हूँ 3, 3 कॉलम रख देता हूँ, लेयर्स भी 3 रख रहा हूँ, ठीक है। अब डिस्टेंस बताना है बेटा, मुझे इसकी हाइट तो पता ही नहीं है, तो मैं 25 रख देता हूँ, कॉलम में भी 25 रख देता हूँ और लेवल में भी 25 रख देता हूँ। अब जूम एक्सटेंड कर रहा हूँ, देखें ये कितने सारे ऑब्जेक्ट बन गए। तो आप इसकी मदद से ना इस तरह से ये सब मैट्रिक्स वगैरह बना सकते हैं, कितनी अच्छी मॉडिफाइंग कमांड्स हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आज की जो क्लास है उसमें आपको मज़ा आ रहा होगा, हमने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं। अच्छा, मैंने जो डिलीट कर दिया ना सब कुछ, वो मैं डिलीट करना नहीं चाह रहा। हाँ, ये ऑब्जेक्ट ज़रा अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ ताकि जब मैं लेक्चर अपलोड करूँगा तो उस पर मैं अप्लाई कर दूंगा इसे, ठीक है। इस पर भी हम ज़रा मटेरियल डिफरेंट जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, हाँ अच्छा लग रहा है आप लोगों को, अच्छी बात है यार। मेटल्स पे जाते हैं, मेटल्स बहुत डार्क होते हैं, इसमें मज़ा नहीं आता देखने में। तो मैं फैब्रिक देखूंगा, फैब्रिक कोई मिल जाए मुझे। ये कौन कौन सा फैब्रिक है भाई? ये वेलवेट, वेलवेट का कलर देखने में सही समझ नहीं आता, अप्लाई करके देख लेता हूँ। चलो यार, ये वेलवेट कितना खूबसूरत लग रहा है, ये ज़बरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखने में ये। आप लोगों को भी उम्मीद है पसंद आ रहा होगा। ये फैब्रिक कलर मैंने इस पर लगा दिया है। तो बेटा अब इसके बाद ना हम सीपी करेंगे, ये हमने काम कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोगों को कोई इसमें पूछना है, कुछ पूछना है तो पूछ लें। हाँ बेटा, वुड वाला तो हमने यहाँ अप्लाई कर दिया था ना, तो अब हमने यहाँ पे वेलवेट अप्लाई किया है। बेटा 10 मिनट्स रह गए, अगर मीटिंग ख़त्म हो गई तो बेटा मैं दोबारा से फौरी कंटिन्यू करूँगा, तो आप लोग रीज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास हम जो है वो सीपी अच्छी तरह डिस्कस कर लेते हैं।
अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ बेटा, न्यू कर रहा हूँ, ताकि हम जो है अब सीपी को देख लें। अच्छा, शॉर्ट में मैं आपको इलेक्ट्रिकल का भी बता दूं, जो इलेक्ट्रिकल पैनल है वो आपको मिलेगा कहाँ से, जो आपने टूल में जाके पैलेट्स में टूल बार यानी टूल पैलेट्स खोले थे, ओपन किए थे, इसके अंदर ही आपको टैब के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल। जैसे सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है। मैकेनिकल में आपको इस क्या कहते हैं, ये दूसरे सिंबल्स हैं जो आप यूज़ करते हैं स्कीमेटिक के अंदर, जैसे सोलोनॉइड वॉल्व, एम्पीरियल। ये एम्पीरियल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? एम्पीरियल सैंपल्स, मैट्रिक सैंपल्स, व्हाट डू यू मीन बाय एम्पीरियल? यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल पे क्लिक करेंगे तो इलेक्ट्रिकल सिंबल आ जाएगा, एम्पीरियल है और एक मैट्रिक है। सिकंदर, तुमने जो है एक जनरलाइज सा जवाब दिया है, स्पेशल वाला बेटा, स्पेशल नाम की कोई चीज़ नहीं होती मैट्रिक सिस्टम में, मेजरमेंट में। इम्पीरियल का मतलब है ब्रिटिश स्टैंडर्ड, जैसे यार्ड हो गया, यार्ड में आपने लेंथ मेजर करनी है या इंच में करनी है, फुट में करनी है, फुट यानी फीट बोलते हैं ये लोग। तो इसी तरह बेटा जो मैट्रिक सिस्टम है वो यूएसए सिस्टम है, जैसे मीटर में आपने आना है, मिलीमीटर में आना है, तो आपके पास ये जो ऑप्शन हैं ये इसमें आ जाएंगे, बस ये फ़र्क है। बाकी ये जो पुश बटन है ये इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं। जैसे पुश बटन का मतलब क्या होता है बेटा, कि आप जब इसको मैन्युअली प्रेस करोगे तो ये ऑन होगा, वरना रिलीज कर दोगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह से मशरूम हेड पुश बटन, ये भी पुश बटन की टाइप है, ठीक है? और ये शो करने के लिए है कि इसके ऊपर टॉप पे हेड है और ये बाहर को उभरा हुआ है और आपने प्रेस करना है, तो पुश बटन जब भी आप सुनोगे इसका मतलब है आप दबाओगे तो वो ऑन होगा, छोड़ दोगे, रिलीज कर दोगे तो वो ऑफ हो जाएगा। लिमिट स्विच का मतलब ये है कि आपने एक ऐसा स्विच लगाया है जो किसी भी मैकेनिकल पार्ट को मूवमेंट पर, जैसे आपने लिफ्ट के अंदर देखा होगा कि लिफ्ट के जो डोर हैं एलिवेटर के, वो ऑन ऑफ होते हैं, तो जब वो क्लोज होते हैं तो बेटा वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगा होता है। इसी तरह कुछ मैकेनिकल लिमिट स्विचेस भी आते हैं जो कि मूव होते हैं, जैसे दरवाज़ा आपने फ्रिज का कभी खोला हो तो उसके अंदर एक स्विच होता है, वो स्विच आप प्रेस करते हैं बंद करके तो लाइट ऑफ हो जाती है, जैसे ही आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर लिमिट स्विच लगा होता है जिसका काम ऑन ऑफ होता है मैकेनिकल मूवमेंट पर, ठीक है? डायरेक्टली आप उसको ऑन ऑफ नहीं करते, वो किसी पार्ट के थ्रू मूव हो रहा होता है। तो इसी तरह ये लाइट जो इंडिकेटर है, रिले जो है, एक इलेक्ट्रिकल स्विच है जो कि आप किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू इसको ऑन ऑफ करते हैं। और रिले का काम क्या होता है कि लो पावर अगर इसको मिलती है, यानी 3 वोल्ट, 12 वोल्ट पर ये ऑपरेट हो जाता है, और इसके थ्रू इनडायरेक्टली आप किसी हैवी डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे छोटा पुश बटन है, उससे आप मोटर नहीं चला सकते 1000 वॉट की, वो जल जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, मगर आप उस स्विच से, उस छोटे स्विच से रिले को ऑपरेट कर सकते हैं, उसको पावर सोर्स दे सकते हैं इसके थ्रू, क्योंकि रिले को इनपुट जो है वो मिनिमम चाहिए होता है, बहुत कम चाहिए होता है, 50 मिली वॉट या 60 से 100 मिली वॉट की उसको पावर चाहिए होती है, तो वो एक स्विच बर्दाश्त कर लेता है, मगर उसका जो आउटपुट कॉन्टेक्ट होते हैं वो आप हैवी ड्यूटी लोड्स उससे ड्राइव कर सकते हैं। तो ये मैंने शॉर्ट शॉर्ट आपको बता दिया, बाकी जो मैं सेल्फ रिकॉर्ड करूंगा वीडियो तो आप वहां देख लेना, ठीक है? अब आते हैं बेटा आपके असल काम की तरफ। अब सीपी पे हम जरा हमला करते हैं कि सीपी आपने करना कैसे है। बच्चों ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया कि सर सीपी आपने इतना मुश्किल दे दिया है, हमसे हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। असल में प्रॉब्लम ये है कि बेटा मैंने सिर्फ डायमेंशन नहीं दी, तो सीपी का मतलब यही है कि बेटा आप खुद तो कुछ करो, सारा मैं करवा दूंगा। ये बेटा लेक्चर था 15, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर ये 3D हाउस है बेटा, ये 3D हाउस जो है ये आपने खुद बनाना है, ये सबमिट नहीं करना, मगर आपने खुद बनाना है, इस पर रेंडरिंग अप्लाई करनी है, इसकी सबकी साइज डायमेंशन मैंने आपको बता दिया है। अंदर के डोर्स जो है वो मैंने नहीं दिखाए आपको, ये अंदर एक रूम बना है, इसका भी दरवाजा आपने खुद बनाना है, हाइट वगैरह सब गिवेन है, आप खुद करेंगे, ये बहुत आसान है ये। और नेक्स्ट स्लाइड पर मैंने इसकी जो वॉल्स है अंदर के रूम है उनका साइज बताया भाई, खुद आप बनाओ, इसको एक्सट्रूड करो और ये मुझे बताओ, ठीक है? अब मैं सीपी पर आ रहा हूँ, वरना मैं एसी में लगा रहूंगा। फिर स्टूडेंट्स जो है वो आ गए हैं, कुछ अली रजा आए थे और पता नहीं क्या नाम लिया, मुनीब हुसैन आए थे, मैंने उनको एडमिट कर दिया था, ठीक है? अब बेटा हम सीपी पर आ रहे हैं, मैं सिर्फ यहाँ जितनी मैं आपको गाइडलाइंस दूंगा, रफ स्केचिंग करूंगा, आप लोग अंदाजा कर लेना कि ये ऐसे ही बनेगा। अब बेटा ये ऑब्जेक्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, जब भी 3D ऑब्जेक्ट आपने बनाना होता है उसमें बेटा आपने साइड सेलेक्ट करनी होती है, व्यू तो आपका कुछ भी हो सकता है, ये टॉप व्यू आप देख कहाँ से रहे हैं, दिस इज व्यू,
आप टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, राइट व्यू या बैक व्यू, ठीक है, बैक व्यू उसके नीचे है, ये फ्रंट है और ये बैक है, टॉप जो है ऊपर है, बॉटम नीचे है, बैक इसका इधर होगा, राइट व्यू ये है, लेफ्ट व्यू ये है, आप व्यू जो है वो एज ही आइसोमेट्रिक में रखें, कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, मगर यूसीएस का मतलब ये होता है कि किस साइड पे आप काम करना चाह रहे हैं, जैसे मैं इस साइड पर काम करना चाह रहा हूँ, दिस इज योर सरफेस, तो यूसीएस से आप सरफेस में शिफ्ट करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे, व्यू आपका वही रहेगा जो आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो इसका व्यू बेटा मुझे फ्रंट रखना होगा, ठीक है, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा तो मेरा व्यू तो वही रहेगा, यूसीएस मैंने चेंज करना होगा, दिस इज राइट यूसीएस, ठीक है बेटा, मैं ये वाला ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ और ये रफ स्केच करूंगा, मेरे पास कोई डायमेंशन नहीं, तो आप ये अंदाजे से कर लें, मिर्जा एहतशाम अहमद आए तो मैंने उनको एडमिट कर दिया, ठीक है, अब हमने ये रफ स्केच करना है, ये पूरी 2D ज्योमेट्री ऐसे बनानी है, उसको ज्वाइन करना है, एक्सट्रूड कर दूंगा, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, आप ज्यादा अच्छा स्केचिंग करना चाहते हैं तो फ्रंट व्यू में भी आ जाए, यूसीएस भी फ्रंट रख लें और व्यू भी फ्रंट कर लें, यहाँ पे आप बहुत अच्छी डिजाइनिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट बना लिया F8, ऑन किया मैंने, और इसकी साइज डायमेंशन मैंने क्या रखी है कि स्टैंडर्ड मैंने 4 रख ली, ठीक है, और इसकी जो यहाँ से लेंथ है वो मुझे, जैसे ये 4 है तो 4 यहाँ तक आएगी, तो तकरीबन ये 10 के अंदर अंदर है, तो मैं इसको 10 कर लेता हूँ, और यहाँ 4 बना दी मैंने, ये एक क्लोज बना लिया मैंने, ठीक है, अब इसके सेंटर से मुझे T बनाना है, यहाँ का जो डिस्टेंस है अगर मैं इक्वल कंसीडर कर लूँ, ठीक है, तो इक्वल का मतलब है कि यहाँ से एक लाइन मुझे ड्रॉ करनी है इसके मिड पॉइंट से यहाँ तक, मुझे डायमेंशन मैंने रफ रखी है, आपने उसका रेशियो ऐसा सेलेक्ट करना है कि देखने में वैसा ही लगे वो, अली रजा हमारी क्लास के नहीं है, अरे यार ये तुमने क्या बता दिया मुझे, अली रजा यार ये तफरी करने के लिए किसी और टाइम आया थे, आज तो लास्ट क्लास है यार, हद हो गई, अब बेटा हमें टी जो है वो इसकी वर्टिकल स्लॉट्स बनानी है, ठीक है, टी की जो थिकनेस है वो हम कितनी रखें, अगर ये ऐसे 4 है, ठीक है, टोटल हमने 10 लिया है, तो इसको थोड़ा सा हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये 3 है, सेंटर से यहाँ तक लाइन ये टी 3 है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा वर्टिकल, ये मिड पे आ गया, अब मैं ऑफसेट करूँगा 3, मैंने इसको ऑफसेट कर दिया, ठीक है, अभी अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप कम कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, अगर ये ज़्यादा लग रहा है डिस्टेंस, यहाँ तकरीबन आपका डिस्टेंस जो है 2 या 3 मिलीमीटर बचना चाहिए, बेटा अली रजा जो है दोबारा जो है वो इंटर का होने के लिए तंग कर रहे हैं मुझे, कौन है इसको भगा दिया, चलो खैर, मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ कि यहाँ पे रफ स्केच में मेरे पास ये कितना बच रहा है, ये 2 बच रहा है, मैं इसको ऑफसेट करके ना 1 और अंदर कर लेता हूँ, या 0.5 कर लेते, ज़्यादा नहीं करते, ठीक है, ताकि इधर का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास ठीक आ जाए, अब मैं इसको ट्रिम कर दूंगा, देखें यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि मेरा ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट, इसको भी ट्रिम कर दें यहाँ से यहाँ तक, बाकी आप जो भी टी यहाँ पे बनाएंगे उसको मिरर कर देंगे, कंप्लीट आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो अब नीचे जो थिकनेस है बेटा ये 1 या 1.5 बहुत रहेगी है, तो मैं ऑफसेट कर रहा हूँ इसे 1.5, ज़्यादा हो गया ये, तो दोबारा से मैं ऑफसेट डिस्टेंस जो है वो पॉइंट, आई थिंक ये 0.6 या 0.7 लेते हैं, चलें थोड़ा सा और बढ़ा लें से, ऑफसेट 0.2 इसी में और ऐड कर लेते हैं प्रीवियस वाले में, ठीक है, ये ठीक लग रहा है, ये मैंने एक फाइनल सा अपनी तरफ से एक रफ स्केच बनाया है, मुझे नहीं पता इसका साइज क्या है, इसी तरह से यहाँ से जो डिस्टेंस है ना वो इतना ही रखें जितनी इसकी थिकनेस है, तो मैं ऑफसेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ तक इसके एंड पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक मैं सेलेक्ट कर लिया डिस्टेंस, अब इस लाइन को यहाँ अंदर सेलेक्ट कर लें और इसको ट्रिम कर दें, तो ये आपका देखें ऑब्जेक्ट यहां से तकरीबन बन चुका है, अब इसकी लाइन जो है वो यहां से ये परपेंडिकुलर आप सेलेक्ट कर लें, परपेंडिकुलर का ऑप्शन यहाँ राइट क्लिक करके परपेंडिकुलर पे आप क्लिक करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा, ठीक है, अब आप बेटा मिरर कर दें इसे, इस पूरे ऑब्जेक्ट को मिरर कर दें, बेटा इतनी डिटेल में मैं एक या दो ही ऑब्जेक्ट्स बना के आपको दिखाऊंगा, 1 मिनट रह गए, टाइम खत्म होने वाले, मैं दोबारा से मीटिंग को ऑन कर दूंगा, तो आप लोग आ जाना, ठीक है, मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ,
बेटा सबको बोले मैं एक्टिव हूँ, जल्दी से आ जाएं। बेटा सबको बोले मैं एक्टिव हूँ, जल्दी से आ जाएं। सिकंदर, एहतशाम, इब्तिसाम जो भी है बेटा सबको बोलें। इसलिए कि मैं सीपी बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इससे कॉन्सेप्ट बनेंगे आज के लेक्चर से। बेटा कहाँ रह गए बच्चे? बेटा सबको बोले जल्दी से वापस आ जाओ। बेटा सीपी के जो पहला ऑब्जेक्ट था उसका हमने ये टी बनाया था, ये बनाने के बाद मैंने इसको सिर्फ मिरर किया। अब मैं जस्ट ट्रिम की कमांड अप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो मैंने आपको बता दिया इसकी जो डायमेंशन है वो कैसे देख के आपने करनी है, तो अंदाजे से करनी है। वरना एक तरीका ये आपके पास अगर स्केल है बेटा, तो इसको ऑब्जेक्ट को ना आप जूम कर लें, जूम कर लिया और इस स्क्रीन पर ना आप इस पर स्केल रख के देखें इसकी मेजरमेंट कितनी आ रही है यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसी स्केल ये आपके पास मेजरमेंट आ जाएगी स्केल से, फिर उसी स्केल को यहाँ रखकर यहाँ से यहाँ तक आप देख लें कि इसकी लेंथ ऐसे कैसे आ रही है और यहाँ कितनी है, तो आपको रेशियो खुद ही समझ में आ जाएगा। फिर बैक साइड पे स्केल रख के देख लें, मेरे पास स्केल अभी मैंने रखा नहीं है, आप लोग अपने पास स्केल यूज़ करें, इसको थोड़ा सा जूम कर लें इस पूरी, और बार बार जूम इन जूम आउट मत करिएगा, एक स्टैंडर्ड रख लें इसका जूम इन स्केल जो है, मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ, आप लोग भी अपने पास से सेट कर लें, ठीक है? तो इससे आपको आसानी हो जाएगी, डायमेंशन बहुत आसान हो गई अब आपकी। अब आपने पी एडिट की कमांड से बेटा ज्वाइन करना है, पी ई इंटर और जे इंटर और सेलेक्ट ऑल, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और ओपन। अब बेटा आप 3D व्यू में आ जाएं और अब आपने क्या इसको एक्सटेंड करना है, मतलब एक्सट्रूड। तो एक्सट्रूड बेटा मैं इतना ही कंसिडर कर लेता हूँ जितना ये इसकी लेंथ ही, इतना ही पीछे कर लेते हैं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने इसको एक्सट्रूड किया पीछे तकरीबन 10 और जूम एक्सटेंड कर दिया, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है? अब हमने इसके यहाँ पे बनाना है राइट। अब मैं UCS राइट नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपसे कहूँगा कि आप राइट व्यू पे क्लिक करें ताकि UCS भी आपका राइट हो जाए। अब मैंने जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है बेटा, उससे पहले मैं एक लेयर ड्रॉ करूँगा, लेयर, उस लेयर के अंदर बेस को मैं लॉक कर दूंगा ताकि उस पर कोई एडिटिंग ना हो, ठीक है? बेस और टॉप दोनों के कलर डिफरेंट कर लें, ये कलर जो है मैं रेड रख लेता हूँ और जो टॉप मैं बनाने लगा हूँ ये मैजेंटा, ओके। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया लेयर वन के अंदर यानी बेस के अंदर, और जो बेस लेयर है उसको मैंने लॉक कर दिया ताकि मुझे नजर आती रहे। अब मैं टॉप लेयर पे सिलेक्ट करूंगा और राइट के अंदर मैंने बेटा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। अच्छा लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है, पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, और हमने इसके ऊपर जो है वो बनाना है ऑब्जेक्ट। अब आपके पास स्क्रीन पे अगर स्केल होगा तो स्केल रख के बहुत जल्दी से आपके पास डायमेंशन आ जाएगी, मुझे थोड़ा देखना पड़ रहा है। शायान अहमद हाशमी, ये हमारी क्लास के, जल्दी से बता दें आप लोग। इब्तिसाम जल्दी से बताओ चैट पे, ठीक है? मैंने एडमिट कर दिया। तो बेटा अब मैं जो है इसका रफ डायमेंशन ले लेता हूं, जैसे इसकी थिकनेस है ना, मैं यही थिकनेस रखता हूं, तो ये थिकनेस मैंने तकरीबन 1 रखी थी, मैं अभी मेजरमेंट कर लेता हूं, मैं उतना ही रखना चाहता हूं। तो हम आएंगे फ्रंट व्यू पे
और इसकी थिकनेस में मेजर कर लेता हूँ बेटा, मुझे याद नहीं है। ये हमने पॉइंट लाइन लिए तो हम इसको क्या कहते हैं वन भी ले सकते, कोई इशू नहीं है। तो टी की थिकनेस तो मेरे पास आ गई जो मुझे बनानी है, ठीक है। इसकी लेंथ जो है थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, तो वन इसकी टी की थिकनेस हो गई, और नीचे वाली जो लेंथ है इसमें हम करते हैं 1.5 कर लेते हैं। पहले मैं इसको 1.5 ज़्यादा ना हो जाए, मैं करता हूँ 1.3, फिर मैं करता हूँ 0.9 ही रख लेते हैं थिकनेस, ठीक है। और इसकी लेंथ जो है वो अब हमें डिसाइड करनी है। लेंथ टोटल जो मुझे नज़र आ रही है बेटे, 3 के अंदर अंदर होनी चाहिए, तो मैं 1.5 ऐसे रख रहा हूँ, थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेते हैं 1, यानी 2.5। और इसी तरह नीचे जो है वो 0.9 आ जाते हैं हम वापस। अब ये है अहम, मुनीब हुसैन भी हमारी क्लास के एडमिट कर रहा हूँ, ये वाली लाइन जो है ये छोटी लाइन कितनी होनी चाहिए, ये भी 0.9 ही रख देते हैं ताकि ज़रा सही लगे, यानी 1 भी रख सकते हैं इसे, ठीक है। इसको पैरल कर दिया। अब देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया बेटा। अब मैं इसको सिर्फ मिरर करूँगा पूरे को, और मैंने क्लिक कर दिया, मेरा ऑब्जेक्ट डन है ये। इसको मैंने इरेज किया अंदर वाली लाइंस को, और इसको भी मैं इरेज करूँगा, और पी एडिट की कमांड इंटर, पी लिख के इंटर, और जे लिख के इंटर, सेलेक्ट ऑल, ओपन हो गया है, ठीक है। और एक्सट्रूड की कमांड अप्लाई करें, इसको सेलेक्ट करें, और इसके कॉर्नर तक लिया है, तो आपका देखें ऑब्जेक्ट कंप्लीट। कल एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया था कि बेटा ये लाइन क्यों नज़र आ रही है, तो मैंने उसको जवाब दिया कि बेटा आप इसको यूनियन से ज्वाइन कर लें तो ये ज्वाइन हो जाएगा और आपकी ये लाइन गायब हो जाएगी। तो मैं इसको यूनियन कर रहा हूँ UNI, तो सेलेक्ट ऑल कर लें, तो देखें यहाँ अंदर से लाइन गायब हो गई, तो आपका ऑब्जेक्ट बन गया ये कंप्लीट, और बिल्कुल एग्जैक्ट देखें वैसा ही बना है करीब करीब। अब बाकी इस ऑब्जेक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ गाइड करूंगा आप लोगों को कि फ्रंट में जाके, फ्रंट व्यू में जाके ये लाइन ना रफ स्केच करें, स्केल रख रख के अंदाजे से ये टेपर बनाएं, उसको ज्वाइन करें, एक्सट्रूड कर दें, पूरा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद ये जो सर्कल्स हैं ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक सर्कल बना के उसको एक्सट्रूड करें टॉप UCS के अंदर और टॉप व्यू के अंदर। फिर एज ही आइसोमेट्रिक में आके ये यहाँ पे इसकी सुइटेबल पोजिशन आप इक्वली डिवाइड कर लें, इसमें यहाँ से लाइन एक डायगनल ड्रॉ करें अंदाजे से, और वहाँ पे जो सर्कल्स हैं वो उनको एक्सट्रूड करें ऊपर और नीचे ज़्यादा। तो इस तरह से ही आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होल जनरेट हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ एक आइडिया, ठीक है। आइडिया ये है बेटा कि मैंने एक लाइन जनरेट करी इसके मिड पॉइंट से यहाँ तक, ठीक है, और UCS बेटा आपने टॉप रखना है। और बेटा मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से मैं कुछ सब्ट्रैक्शन कर लूँ, तो मेरे पास डिस्टेंस होना चाहिए ये वाला, क्योंकि इसके अंदर ना आ जाए। तो टोटल ये 3.5 है, इसका मतलब ये है कि मैंने जो भी सर्किल बनाना है बेटा वो ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकता मैं, तो मैं उसको ऑफसेट करूँगा, और सिर्फ 0.9 जो है मैं उसको ऑफसेट करूँगा यहाँ से यहाँ तक। देखें छोटा सर्किल बनाऊँगा, बड़ा नहीं, सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो सर्किल का जो रेडियस है बेटा, बल्कि मैं डायमीटर में जाऊँगा कि मेरे पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, तो मैं इसको रखूँगा 0.7। ये सर्किल बना दिया मैंने, अब मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा EXT इंटर, और इस सर्किल को एक्सट्रूड करके मैंने बाहर तक एक्सट्रूड करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्चुअल पे, तो मैं SU लिख के इंटर करूंगा, सबट्रैक इसको सेलेक्ट करूंगा और इसको सेलेक्ट करूंगा, तो देखिए ये सबट्रैक का ये होल जनरेट हो गया, ठीक है। आपने भी ऐसे ही जनरेट करना है सब में, जहाँ जहाँ आपको सर्किल बोला जाएगा। तो फिर उसके बाद आपने रेक्टेंगल बनाना है, रही है राइट UCS के अंदर, राइट व्यू के अंदर जाके अंदाजे से, और उसको एक्सट्रूड कर देना इतना कि जब आप उस ऑब्जेक्ट को इसके नीचे बिठाओ अंदाजे से, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह बेटा ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत आसान है, यहाँ से फ्रंट व्यू में जाके आपने पूरा ऑब्जेक्ट रफ स्केच करके एक्सट्रूड कर देना है, फिर एक वैज बना के यहाँ से बिठा के उसको अंदाजे से एक्सट्रूड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये इतना कट हो जाएगा। बाकी ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो आपको नज़र आ रही है बेटा, ये भी आपने अंदाजे से बनानी है, यानी टेपर्ड लाइन है सीधी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और जितनी लेयर्स है बेटा मैं उनको लॉक कर रहा हूँ, जीरो लेयर में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। और टॉप में आके काम करूंगा, मैं टॉप में आ गया, इस ऑब्जेक्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेट से आपने ये रेक्टेंगल बनाया है, बल्कि मैं इसको स्क्वायर बना रहा हूँ,
जो आपका सीपी है, यानी ये पूरा एक स्क्वायर है, इस पे आपने टॉप में लाइन बनानी है, तो वो सिखा रहा हूँ मैं कैसे बनाएंगे आप। तो बेटा हम एक काम करते हैं कि एक लाइन है, हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब इसका ऑफसेट डिस्टेंस बेटा हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसको ऑफसेट कितना करना है, मुझे अंदाजे से करना है सारा। मुझे अगर आपके पास स्केल है उससे कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये 3.3 है, मैं यहाँ तक कर लेता हूँ, लेट से इसको इतना करते हैं पहले 1.5, ठीक है। थोड़ा सा और ज़्यादा करते हैं पीछे वाले को, यानी इसी वाले को मैं थोड़ा सा और ज़्यादा कर रहा हूँ, 0.5 है ना, मैं 0.5 और कर रहा हूँ। ये मैंने कर दिया, इसको मैंने इरेज किया, और ये वाली जो लाइन है इसको मैं थोड़ा सा ऑफसेट करूंगा, यानी 0.3। अगर मेरे पास स्केल होता तो सही डायमेंशन होती, मेरे पास अब मेरे पास डायमेंशन ही नहीं है। ये ऑब्जेक्ट बन गया मेरा। अब आपने सिर्फ कुछ कुछ भी नहीं करना है, ट्रिम करते जाना है आपने। ये मैंने ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम कर दिया, ये आपने खुद बनाना है। फिर इसकी जो लाइन है ना बेटा, इस ऑब्जेक्ट को जो आपने रेक्टेंगल को बनाया है, ये आप बेस से लॉक कर दिया आपने, ठीक है। और अब आप जो काम कर रहे हैं जीरो लेयर में काम कर रहे हैं, ये मिलाया आपने, ये और ये मिला दिया आपने, ठीक है। अब आ जाए 3D आइसोमेट्रिक में। तो अब मैं क्या करूंगा, PE लिख के इसको ज्वाइन करूंगा और सिलेक्ट ऑल कर लिया, ज्वाइन हो गया। अब मैंने क्या करना है कि बेटा एक्सट्रूड करना है। पीसी की रैम हल्की है मेरी, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है मुझे अक्सर। ये मैं बस अंदाजे से इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास डायमेंशन नहीं है, मैंने ज़्यादा एक्सट्रूड कर दिया इसे। अब इसी तरह नीचे वाले को भी मैं एक्सट्रूड करूँगा, ठीक है। ये मैंने एक्सट्रूड कर दिया इसको इतना, ताकि मैं इसमें से सब्ट्रैक्शन कर सकूँ। अब आ जाए कॉन्सेप्चुअल पे, और मैंने SU लिख के इंटर किया है, और ये सिलेक्ट किया इंटर, और ये सिलेक्ट करके इंटर। अब देखें, ये मैंने दोनों का फेस एक दूसरे से मिला के रखा, तो ये पूरा कट हो गया। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और नीचे कर दूं, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, वरना आप लोग फिर गड़बड़ करोगे कि ये सर ने पता नहीं क्या बता दिया, ठीक है। ये इसका ऑफसेट डिस्टेंस यहां से, और मैं इसको थोड़ा सा अंदर रखता हूँ, ठीक है। अब मैं SU लिख के इंटर करूंगा। अब आप देखें, ऑब्जेक्ट आपका वैसा बन जाएगा जैसा आप चाह रहे हो भाई। देखें, बिल्कुल वैसे ही ज्योमेट्री बन गई जैसी आपको बनानी थी, तो ये बहुत आसान है। तो इसी तरह वेज बनाएंगे, ये भी हो जाएगा। अब आखिर में ये वाली ड्राइंग ही आप खुद समझ जाएं कैसे बनेगी। ये राइट व्यू के अंदर आपने रफ स्केच करके पूरे को ड्रॉ करना है, और CEP की जो डेड लाइन है, मैं कल तक के लिए एक्सटेंड कर रहा हूँ, आप सब खुद बना लें, क्योंकि हेल्प नहीं करेगा आपकी कोई। इसको ज्वाइन करके आप एक्सट्रूड करेंगे, और इसको खुद ही आपने जो है ना अंदाजे से एक्सट्रूड करके सब्ट्रैक्ट करना है, बस क्लास खत्म। हाँ बेटा सिकंदर, मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ, तुम लोग लेक्चर देखते नहीं हो मेरे, और मुझसे चाहते हो कि शॉर्टकट के अंदर ना सब कुछ सीख लो। मैंने इतनी मेहनत से बेटा रिकॉर्ड करके लेक्चर से बना के रखे, क्यों बना के रखे? मेरा वॉचिंग टाइम भी नहीं बढ़ रहा, वही 400 आवर्स हो गए, 400 आवर्स से ज़्यादा हो ही नहीं रहा, आप लोग देख ही नहीं रहे हो। तो देखो बेटा, हाँ मुझे पता है तुमने कैसे सबमिट कराया सिकंदर, अच्छी बात है तुमने करवा दिया। बाकी लोगों से मैं मुखातिब हूँ, बेटा मेरे सारे लेक्चर देख लेना, वरना पेपर नहीं हो सकेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। बेटा अटेंडेंस चलो मैं लगा देता हूँ। अहमद शुएब, हादिया हुसैन, हाफिज़ हुसैन, इब्तसाम, जुनेद, मिर्ज़ा एहतशाम, मौज़म, सादिया, शाहजेब, सिकंदर, सैयद शायान, सैयद ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब, जैन ताहिर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। आ जाओ भाई उमर मुबारक, एंट्री मार दो तुम भी। उमर मुबारक भी आ गए हैं, तो मैंने उनको एंट्री दे दी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ बेटा, मेहनत करो अच्छे से।